हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने पूरा किराना सामान डी मार्ट से मंगाया था, होम डिलीवरी कर दिया है, तो मैं वो सब अभी जमाऊंगी, सब किराना सामान। अभी मैं पूजा वगैरह करके उठी हूँ, फिर ये किराने का सामान आया है। अभी वो हर्ष चेक कर रहा है कि क्या क्या सामान आया है, तो उसके बाद फिर मैं वो सब जमाऊंगी। तो ये देखिए, अभी ये बता रहा है कि ये सामान आया है करके। मैं फ्रोजन आइटम मंगाती हूँ, क्योंकि मैं पूजा वगैरह करते तक मेरे को 1 बज जाते, उसके बाद भूख लग जाता है, तो फिर ये टिक्की वगैरह चाय के साथ मैं तल के खा लेती हूँ। फिर खाना 2-3 बजे खाती हूँ, इसलिए ये फ्रोजन आइटम भी मंगाई हूँ मैं। उसमें है वो आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज और वो चीज़ वाला टिक्की, फिर फ्रोजन मटर है, स्वीट कॉर्न है। दलिया में मैं फ्रोजन मटर और स्वीट कॉर्न डालती हूँ और मूंग दाल की बड़ी डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है उससे। और फिर यही सब पापड़ है और जो भी किराना सामान, तेल, आटा, मैदा, रवा, पोहा, बेसन, जो भी रहता है। नाश्ता ज़्यादा मंगाई हूँ मैं, चिवड़ा है, बिस्किट है, यही सब आइटम है। अभी मैं ये देखिए, फ्रिज, मेरा फ्रिज छोटा है, अब अखर रहा है मेरे को कि बड़ा लेना था करके। मतलब फ्रिज तो छोटा चलेगा, फ्रीजर बहुत छोटा हो जाता है। अगर फ्रीजर बड़ा वाला लेना था करके, अब तो ले डाली हूँ। अगर ये कोई खरीद लेगा तो फिर मैं दूसरा लूँगी, तो फ्रीजर बड़ा वाला लूँगी, क्योंकि फ्रोजन आइटम रखने के लिए चाहिए फ्रीजर बड़ा। तो ये देखिए, मैं सब अभी फ्रोजन आइटम पहले फ्रीजर में रख दे रही हूँ और फिर बाकी सामान में व्यवस्थित तरीके से रखूँगी। ये सब सामान अभी यहाँ पर ये रूम में रख दिया है, अभी मैं ले जा करके उसे किचन में रख रही हूँ। ये मैंने बर्तन का टोकला ले आया है, उसी में सब डाल करके एक साथ ले जाऊंगी। मैं अपने लिए चाय रखी थी, इतने में सामान आ गया था, तो फिर वो सामान को रख रही थी। फिर अभी मैं चाय पी रही हूँ और चाय के साथ वो 50-50 बिस्किट मंगाई, वो मैं खाई। अभी हो गया मेरा चाय और बिस्किट। अभी मैं डब्बे निकाल रही हूँ कि किस डब्बे में क्या मुझे रखना है और क्या क्या सामान है, वो सब देख रही हूँ मैं। ये हार्पिक के 2 बॉटल वगैरह है, तो वो उधर में रख करके आ जाऊंगी और इसमें सब सामान दूसरा में भर करके रखूंगी। ये मैंने सिंगदाना वगैरह मंगाई हूँ। सिंगदाना में 1/2 किलो का नहीं था, तो 1 किलो ही मंगा ली। अभी ठंड के दिन में लग भी जाते हैं, एकादशी में साबूदाना के खिचड़ी वगैरह में भी लगते हैं। और मैं सिंगदाना फ्रिज में रख देती हूँ, तो स्वाद उसका वैसी के वैसी रहता है।
बाहर रखो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए मैं ये सिंगदाना वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। सरसों का तेल भी मंगाई हूँ और ये गुड़ ये वाला मंगाई हूँ मैं, क्यूब वाला बहुत अच्छा है। और सरसों के तेल में भी अभी ठंडी के दिनों में कोई कोई सब्जी अच्छी लगती है, ये खट्टा मीठा चूड़ा वगैरह। और ये पूजा का सामान है, धूपबत्ती लोभान वगैरह, वो सब भी नहीं था तो वो सब भी मैं मंगाई हूँ। ये सब नाश्ते का सामान है, चूड़ा है, खट्टा मीठा चूड़ा है, एक अलग डाइट चूड़ा है, केले के चिप्स हैं, ये सब चीज़ें चाय के साथ लगता ही है। और ये बटाना सफ़ेद वाला भी अच्छा लगता है तो वो मंगाई मैं कभी चाट वगैरह बनाने के लिए। और ये क्या बोलते हैं, इधर जुर्गा बोलते हैं और क्या तो बोलते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो सब मंगाई हूँ, अभी वो सब मैं रखती हूँ। चिप्स और स्टिक, सोया स्टिक और ये चिप्स बनाना चाहिए। मैं गाइस आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, अपना घर का कंटेंट दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या करती हूँ घर में, किस प्रकार से क्या सामान मंगाती हूँ ये सब। और अभी यूट्यूब खोलो तो बस गंदगी ही गंदगी दिख रही है कि बस ये को उसको उतार रहा है, कोई दूसरे को उतार रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, इसको नीचा दिखा रहा है। तो आजकल वही सब चल रहा है, उसको उन वो सब चीज़ों को इतने व्यूज मिल रहे हैं, वो लोग लाखों में रुपए छाप रहे हैं, और जो अपना सादा सुदा कंटेंट दिखा रहा है उसको कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। तो गाइस आप लोग ऐसा मत करिए, अच्छे कंटेंट देखिए, अपने दिमाग को अच्छा रखिए, बेकार की चीज़ों को मत देखिए, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करिए। मेरा यही कहना है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखिए ये बिस्किट में थोड़ा सा खाई थी और अभी रख दे रही हूँ बाकी में। तो मैं बोल रही थी कि YouTube में ये सब चल रहा है तो मतलब दोस्ती के ऊपर से तो विश्वास ही उठ गया है। जो लोग पहले इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो सभी एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अब तो बात करने में भी किसी को डर लगेगा कि कौन क्या रिकॉर्ड कर ले, और समय आने पर वो रिकॉर्डिंग चला दे कि तुम्हारे बारे में ये बोल रहा, तुम्हारे बारे में वो बोल रहा। दोस्ती में तो सब कुछ शेयर करते हैं, जो बात अपन किसी से नहीं बोल सकते वो दोस्ती में बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो समय आने पर फ्रेंड ऐसे दगा दे, धोखा दे, तो फिर उसे क्या कहा जाए। तो ये सब तो बहुत ही भयंकर हो गया है। तो अभी YouTube में वही सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी दोस्ती में से भी विश्वास उठ गया है बिल्कुल। ये डीमार्ट से वो लाया था लड़का, तो वो साबूदाना का पैकेट ही फूटा हुआ लाया था, तो वो अभी मैं रख रही हूँ, और थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा बच गया, तो वह मैं भिगा दे रही हूँ। आज मैं साबूदाना का उसल ही बना लूँगी, मुझे बहुत पसंद है, तो शाम को यही बना करके खा लूँगी। तो ये साबूदाना गिर भी गया तो वो सब भी उठा रही हूँ, और ये अभी भिगा करके मैं रख दूँगी। चलिए गाइस फिर मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये अभी केबल वाले भैया आए हैं, केबल का कनेक्शन मतलब वो जो भी कनेक्शन करवा रहे हैं वो, तो अभी सभी चैनल्स इसमें आएंगे।
लगाया जा रहा है, क्या चीज़ है, कौन सा लगा रहे, वो नहीं पता। डिश टीवी है शायद। आज मैं बनाई हूँ रोटी और आलू की सब्जी।